डुबरी विधानसभा उपचुनाव का प्रचार आज शाम थम जाएगा। मंगलवार 5 सितंबर को यहां वोट डाले जाएंगे। चुनाव में खड़े 6 प्रत्याशियों में से किसके सिर पर जीत का सहरा सजेगा, यह 8 सितंबर को चुनाव परिणाम के बाद साफ हो जाएगा। उपचुनाव जीतने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार के एक दिन पहले तक पूरी ताकत झोंक दी है उन्होंने। और पिछले एक पखवाड़े से डुबरी विधानसभा क्षेत्र में जेएमएम, कांग्रेस, एआईएमआईएम, बीजेपी और आजसू सहित कई दलों के नेताओं ने खूब प्रचार किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके कैबिनेट के कई मंत्री, जेएमएम कांग्रेस के नेता और इधर विपक्ष की ओर से 3 पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री से लेकर दोनों पक्षों के कई सांसद, विधायक, पूर्व सांसद और पूर्व विधायकों ने चुनाव प्रचार में डुमरी की चौदहवीं नाप दी है। आपको बताएं कि इस चुनाव में जेएमएम और आजसू पार्टी के उम्मीदवारों के बीच सीधी लड़ाई होती दिख सी रही है। कुछ अन्य छोटे दल भी इस उपचुनाव में अलग अलग स्थानों पर अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। वहीं शाम को चुनाव प्रचार थमने के बाद विभिन्न पार्टी का जोर बूथ मैनेजमेंट पर होगा। चुनाव प्रचार खत्म होने के साथ ही विभिन्न दल के लोग बूथ मैनेजमेंट पर रणनीति बनाने में जुट जाएंगे। तो देखिए डुमरी के दंगल में देखिए 5 सितंबर को वोट डाले जाएंगे और 8 सितंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। सत्ता पक्ष के लिए सीएम हेमंत सोरेन का आज रोड शो है और कल भी हमने देखा कि किस तरीके से रोड शो का आयोजन किया गया था सुदेश महतो की ओर से, और बारिश के बावजूद भी कई लोगों का समर्थन वहां हमें देखने को मिला था। और आज देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का रोड शो आयोजित किया गया है। तो देखिए डुमरी से तस्वीरें सामने आ चुकी है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह रोड शो सामने आ रहा है। सीधी भिड़ंत जो है वो इस बार इंडिया और एनडीए गठबंधन में हमें देखने को मिल रही है। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर ये पूरी सरगर्मी। और आज शाम और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता और उम्मीदवार बेबी देवी यहां पर मौजूद है। ये सीधी तस्वीर है मुख्यमंत्री की रोड शो की, और मुख्यमंत्री यहां पर जिस तरीके से जो चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, और पीछे की गाड़ी में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, सुबोध कांत सहाय की मौजूदगी है, तो तमाम हैवीवेट चेहरे इस रोड शो के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। और ये मुख्यमंत्री का वो खुला जीप जिससे मुख्यमंत्री रोड शो कर रहे हैं, देख सकते हैं पूरा जोर इंडिया एलायंस ने यहाँ पर लगाया है। और जिस तरीके से अगर हम बात करें तो अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का, इस चुनाव प्रचार को देखते हुए आज यहाँ पर ये रोड शो की शुरुआत हो चुकी है मुख्यमंत्री की। काफ़ी महत्वपूर्ण ये उपचुनाव, और जिस तरीके से आप देख सकते हैं लोगों का अभिवादन करते हैं हेमंत सोरेन। पीछे के गाड़ी में हम अपने सहयोगियों के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे, पीछे के गाड़ी में भी कांग्रेस विधायक अनूप सिंह, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय की मौजूदगी है। तो पूरा ये वो काफिला मुख्यमंत्री का, वो रोड शो का वो सीधा नज़ारा आप देख सकते हैं। अपने पार्टी का झंडा हाथ में लिए मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के दो सहयोगी महत्वपूर्ण मंत्रियों, कांग्रेस कोटे के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम साहब और सत्यानंद भोक्ता की मौजूदगी इस प्रचार रथ में है। मुख्यमंत्री धीरे धीरे अब अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से बात किया जाए तो काफ़ी मजबूती से ये उपचुनाव यहाँ पर इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के निधन के बाद ये सीट रिक्त हुई है, और इसमें 5 तारीख को पोलिंग होना है, और उस पोलिंग से पहले चुनाव प्रचार का सोम थमने से पहले मुख्यमंत्री जो है वो अपना रोड शो कर रहे हैं। सीधी तस्वीर चेहरे में साफ तौर पर वो नज़र आपको आ रहा होगा कि कैसे कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं मुख्यमंत्री। उम्मीदवार बेबी देवी भी इसमें मौजूद हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि अंतिम जोर जिस तरीके से नामांकन के वक्त से लगातार जोर इस गठबंधन ने लगाया था, वही जोर आज अंतिम दिन चुनाव प्रचार का शोर थमे उससे पहले लगातार मुख्यमंत्री यहाँ पर चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीर है डुमरी विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के अंतिम दिन का, जहाँ मुख्यमंत्री अपने सहयोगियों के साथ अंतिम ताकत लगा रहे हैं, क्योंकि जब प्रचार का शोर थमेगा तब फिर 5 तारीख को मतदान की बारी आएगी, और मतदान के बाद 8 तारीख को परिणाम आना है। तो पूरे राज्य की नज़र डुमरी के इस उपचुनाव पर है, और ये सीधी तस्वीर देख सकते हैं तमाम जो बड़े चेहरे हैं इंडिया गठबंधन के, उनकी मौजूदगी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रोड शो करते हुए
24 किलोमीटर का ये रोड शो है और 24 किलोमीटर के रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री तकरीबन 12 महत्वपूर्ण चौक चौराहों से गुजरेंगे। जो झारखंड आर्ट कॉमर्स कॉलेज से इस रोड शो की शुरुआत हुई है वो मधुपुर मजार में जाकर समाप्त होना है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आज का दिन और जो दावे लगातार किए जा रहे हैं इस उपचुनाव को लेकर कि काफ़ी जोर शोर से इस उपचुनाव को लड़ा है झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार और जो कैबिनेट की मंत्री है बेबी देवी के साथ साथ जिस तरीके से इंडिया एलायंस ने, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अब बारी आज चुनाव प्रचार थमने के बाद जनता की होगी 5 तारीख को जब इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए होने वाले उपचुनाव में मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।